हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। हिना खान का कैंसर का इलाज चल रहा है, उनकी कीमोथेरेपी शुरू हो गई है और उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए अपने बालों को भी कटवा लिया है। पर गाइस, अब हिना खान ने ना सबको दिखा दिए हैं इस मुश्किल वक्त में उनके शरीर पर आए जख्म। जी हाँ, जो इस गंभीर बीमारी ने उन्हें काले निशान दिए हैं, अब वो ना हिना ने दुनिया को दिखा दिए हैं। यकीन नहीं हो रहा तो आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। हिना काफ़ी ज़्यादा टूटी नज़र आ रही है। हिना के शरीर पर काले निशान पड़ गए हैं, चेहरे पर थकान है, कैंसर के दर्द से पूरी तरीके से टूटी नज़र आ रही है हिना। लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रही हैं, वो इस बीमारी का डटकर मुकाबला करती दिखाई दी है। बता दें आपको, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से हिना खान ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, सबके दिलों में उनकी खास जगह उन्होंने बनाई है और वो सबकी चहेती है। 36 साल की उम्र में हिना ब्रेस्ट कैंसर की थर्ड स्टेज से जूझ रही है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब हिना खान ने कुछ तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जो कि उनके घर की बालकनी की तस्वीरें हैं। इन फोटोज़ में हिना के चेहरे पर थकान और एनर्जी लॉस साफ साफ देखा जा सकता है। हिना ने फोटो शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा, आप इस फोटो में क्या देखते हैं, मेरे शरीर पर आए निशान या फिर मेरी आंखों में चमक और उम्मीद? ये निशान मेरे हैं, इन्हें मैं प्यार करती हूं, क्योंकि ये पहला साइन है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूं और ये मैं डिजर्व करती हूं। मेरी आंखों में चमक बता रही है कि मैं कितनी मजबूत हूं और मेरा सोल कैसा है। मैं सुरंग के आखिरी में भी लड़ाई करती रहूंगी, जो सुरंग के आखिरी में जो लाइट है उसको देख सकती हूँ और मुझे इस लड़ाई को जीतना ही है। हर हाल में मैं अपनी हीलिंग को मैनिफेस्ट करती हूँ और आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल सेफ रहे और आप लोग भी हील करें। मैं पापा की स्ट्रॉन्ग बेटी हूँ, ये बड़ा जो मैसेज है ये हिना ने अपने तमाम फैंस को दिया है अपनी इन लेटेस्ट तस्वीरों के साथ, जिसमें वो अपने शरीर पर आए कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान वाले काले निशानों को दिखाती नजर आई हैं। वाकई में हिना की ये जो जिंदा दिली है, हिना की जो ये हिम्मत है ना, ये बहुत ज़्यादा डेयरिंग है। कैसा लगा वीडियो, क्या है राय, ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही।